ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਟਰੈਕ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ गन्ने दे रेट दे विच वाधा करन दी मांग कीती जा रही है। हालांकि किसानां दा कहना है कि मीटिंग रखी गई है, जेकर मीटिंग दे विच किसानां दे हक च फैसला आंदा है तां ओह शांतमई तरीके दे नाल इह धरना प्रदर्शन खत्म करके आपो अपने घरां नूं चले जाणगे। पर जेकर किसे किस्म दा फैसला किसानां दे विरोध विच हुंदा है तां ओह सड़कां तों इलावा रेलवे ट्रैक भी जाम करनगे। तां दस दईए कि प्रदर्शनकारियां दे वल्लों लगातार मंग कीती जा रही है। इस दौरान मीडिया दे नाल गलबात करदे हुए किसान आगुआं ने कहा कि असी लगातार सरकार नूं मंग पत्र दे रहे हां पर हाले तक साडे मसले दा कोई भी हल नहीं निकलिया ते जेकर हुण मीटिंग दे मगरों भी हल नहीं निकलदा तां असी सड़कां तों इलावा रेलवे ट्रैक भी जाम करांगे। किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अधिकारियों से कोई बातचीत हुई आपकी? देखो, जो जिला प्रशासनिक अधिकारी है उनसे तो बातचीत चल रही है, लेकिन उनके बस की बात नहीं है। ये जो गन्ने का रेट है उसका मूल्य में बढ़ोतरी करना, जो मुआवजे की मांग करते हैं उस पर बातचीत को निर्णय लेना, वो तो मुख्यमंत्री की बात के लेवल की बात है, उसमें तो कोई उनका मंत्री भी नहीं कर सकता। सो हमारे को पता लगा, आज एक नोटिफिकेशन आया और जहाँ के संबंधित अधिकारियों ने हमारे को प्रशासन ने बताया कि कल उनकी मीटिंग 10 बजे मंत्रिमंडल की मीटिंग है, शुगर कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग है, जो मिल के अधिकारी है उनके साथ भी उनकी मीटिंग है। सो देखते हैं कि कल क्या फैसला लेते हैं। ये ना कहीं हो के 5-10 रुपए 15 रुपए रेट बढ़ाकर बोले कि ये धरना समाप्त कर लो, ये ऐसी बात नहीं होने वाली। देखो, 14 रुपया तो हमारे जो नज़दीकी स्टेट है हरियाणा, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, उन्होंने कोई किसानों को परेशान नहीं किया, कोई उनके लोगों ने धरना नहीं लाया, तो उन्होंने 14 रुपये रेट में बढ़ोतरी कर ली। तो हमारे को तो पंजाब सरकार को तो पहले केंद्र सरकार ने 10 रुपया जेड़ा पहले बढ़ा के दे दिया है। पंजाब सरकार अपनी तरफ से क्या ऐलान करती है, ये सोचने वाली बात तो ये है। और बैठे देखते हैं कल की मीटिंग में क्या होता है, कोई अच्छा पक्ष निकल के आएगा, क्यों किसानों के पक्ष में कोई बात आएगी तो फिर उस पर विचार करेंगे। नहीं, अभी सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं हुई अभी तक। जो लोकल प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सब आए थे, उन्होंने बोला है कि कल मीटिंग रखी गई है सरकार की, शुगर फैट जो डिपार्टमेंट है उनके साथ, और उस मीटिंग में तय किया जाएगा कि क्या भाव देना है किसानों को। तो जब तक वो तय नहीं होता तब तक ये धरना ऐसे प्रदर्शन चलता रहेगा। लेकिन अगर सरकार उस मीटिंग में भी कोई डिसीजन नहीं ले पाती तो फिर हमने कल से प्रोग्राम बनाया हुआ है कि कल से जो रेलवे ट्रेन है, ट्रेन ट्रैक है, उसको भी कल बंद किया जाएगा, क्योंकि सरकार को हमने बहुत समय दे रखा, 1 महीने से मांग पत्र देते रहे, लेकिन सरकार ने कोई इस पे डिसीजन अभी तक नहीं लिया। तो ये मैं समझता हूँ इसके लिए पूरी की पूरी सरकार की जिम्मेवारी बनती है, रिस्पॉन्सिबल सरकार है। तो अगर कल ट्रेन भी बंद होती है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबल सरकार ही होगी, क्योंकि सरकार अगर तुरंत इस पे फैसला ले ले तो अच्छा है।